नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। रियो ओलंपिक्स में भारोत्तोलकों में भारत की चुनौती खत्म। पुरुषों के 70 किलो वर्ग में 11वें स्थान पर रहे सतीश कुमार शिवलिंगम। 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में सतीश ने जीता था स्वर्ण पदक। रियो तीरंदाजी में भारत को मिली जीत। तीरंदाज बोम्बेआला देवी ने ऑस्ट्रिया की लॉरेंस को दी मात। 2 मैच जीतकर अंतिम 16 में बनाई जगह। महिला हॉकी और जूडो में भारतीय खिलाड़ी हारे। एक तरफा मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6-1 से हराया। जूडो के पहले दौर में अवतार सिंह हुए बाहर। आज से रियो बैडमिंटन में भारत का आगाज। साइना नेहवाल पर रहेंगी सबकी निगाहें। लंदन ओलंपिक में साइना ने जीता था कांस्य पदक। मुक्केबाजी में भारत की बढ़ी उम्मीदें। भारतीय मुक्केबाज मनोज कुमार ने लिथुआनिया के इक्लडास पेट्रास्कस को 2-1 से हराया। अंतिम 16 में बनाई जगह। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अश्विन साहा के शतक से टीम इंडिया ने बनाए 353 रन। ठोस शुरुआत के साथ वेस्ट इंडीज ने 1 विकेट के नुकसान पर 107 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों पर टिकी सबकी नजरें। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारतीय एथलीटों का किया समर्थन। कहा, विषम परिस्थितियों में भारतीय एथलीटों का समर्थन जरूरी। ओलंपिक में भारतीय दल के सद्भावना दूत हैं सचिन। खेल जगत की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।